सर्वस लाया जनाया फेमिन रा बीजा के सब के हो ना करो ओज ना करो के पानी फेमिन वे कौन मरसुई तक कौन जनाया किसने कहा कि वहाँ जोधपुर में देंगे बावड़ी किस बात है वहाँ तो फेमिन नहीं बे और फेमिन नहीं जरूर फेमिन नहीं बे वे मकान नहीं दिया पानी नहीं जन क्या करो जन आया इतनी बहुत कौन लेके आया आपको गुड्डी कई कियो आपने मीटिंग है समूह राजस्थान की एक परंपरा है जो घूंघट पड़ता है और घूंघट को हटाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और यही वजह है कि महिलाएं जो है यहाँ भारी संख्या में महिलाएं पहुंची है एक महिला के समर्थन में पहुंची है। आप यहाँ किस लिए आए माता जी कौ कहना भाई किस लिए आए किस क्यों आए आप जोधपुर आज भैया सरपंच लाया जनाया सरपंच साहब लेके आए क्या है कोई पता है मामला क्या हुआ था माता जी आप किस लिए आए हैं क्या आपको जानकारी है कि क्यों आए आप पानी फेमिन वे कौन मरसुई तक कौन जनाया मुकोनारी मुकोन मंदिया को यानी किसने कहा कि वहाँ जोधपुर में देंगे बावड़ी कौन है बावड़ी सरपंच साहब है आपके देवासी ये तो आदिवासी नहीं सरपंच साहब है क्या आपके वो हाँ हाथ है सरपंच साहब साथ में आए हैं अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप माता जी को हम आगे बात है आगे इस बात है मौत तो फैमिली नहीं बे और फैमिली जरूरत है मकान नहीं दिया दुनिया ने फैमिली पानी नहीं फैमिली नहीं बे मकान नहीं दिया पानी नहीं जन क्या करो जन आया इतनी बहुत तो आपको ये कहा कि वहाँ सब कुछ मिलेगा जोधपुर में है ना जोधपुर में मिली कांट बाबू सिंह दे या तो माने दिवान नहीं माने लाया सरपंच साहब जन माया अच्छा हाँ तो अभी तक वहाँ नहीं मिल पा रहा कहाँ करी बीजी हो ना करो कहाँ का नहीं मकान नहीं फेमिना नहीं बे घर बैठी हैं लेबर कहीं करो नहीं पर ये आपको पता है कि वहाँ पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था मतदान के दिन पता है आपको नहीं पता है ये जो आज धरना है मैं आपको बता दूं कि वहाँ महिलाओं के घूंघट उठाकर देख रहे थे वो कर्मचारी ऐसा वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं इस वजह से आज सारी महिलाएं यहाँ पहुंची और वो ज्ञापन देगी ये कहा जा रहा है तो ये घूंघट क्या ना गोलामा बिल्कुल कहीं ना कहीं कई लोगों को जो है अभी जानकारी भी नहीं है कि किस वजह से आए हैं सरपंचों ने कहा है कि चलिए वहाँ आपको बहुत चीजें दी जाएगी और यही वजह है माता जी आप किस वजह से आए हैं यहाँ पे यहाँ पे मेरे एमएलए साहब के उसे आरोप लगा रहे कि महिला शक्ति आपका घूंघट नहीं हटा सकती है इसलिए आरोप करने के लिए कि महिला शक्ति आपकी इज्जत किसी को नहीं देना चाहती है वोटिंग में घूंघट हटा है उसकी वजह से आई बिल्कुल कहीं ना कहीं जो घूंघट का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है माता जी किस लिए आए आप की कर आए आज हटे जोधपुर आप कई कह लाया आपने की ध्यान है आप यहाँ जो आए हैं किस वजह से आए हैं आप यहाँ की तो बताओ आप आया हो जेडीटी दूर हो आया हो शेरगढ़ जोधपुर आया हो तो कई तो कारण अलग ही वास्ते आया आप तो आया उठान दे ऐसा चलिए जानकारी नहीं है आप मैडम आप बताइए किस वजह से यहाँ पहुँचे आज आप हम इसलिए आए हैं कि महिलाओं के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए हुआ है अन्याय वहाँ जब वोट देने गए थे महिलाएं तो वहाँ महिलाओं का घूंघट उठाया गया तो महिलाओं की इज्जत के बिना महिलाओं का घूंघट नहीं उठाना चाहिए तो इसीलिए महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए इसीलिए सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं जो महिला घूंघट उठाने का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है माता जी आप यहाँ किस लिए आए क्या वजह है आप यहाँ जोधपुर पहुँचे आज कई कारण है आज जोधपुर आज आप आया हो कई वास्ते आया हो की जानकारी है आपने जानकारी जब पूछ किस कौन लेके आया आपको गुड्डी कौन है गुड्डी मेरे साथ में ये नहीं क्या है वो कोई कार्यकर्ता है क्या है हाँ कार्यकर्ता है किस में आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी को समूह आंगनबाड़ी ऐसा समूह में तो कहा तो होगा कि भाई इसलिए अपन जोधपुर चल रहे हैं घर से आप इतने दूर आए हो कुछ कहा आपको कुछ है पूछना पड़ेगा आप बताएं मैडम आप आज आप आया हो किन वास्ते आया हो कौन ले रहा है आपने कई कारण आया हो आप भाई गुड्डी ने दमू लेना आया समूह रास्ते कई कियो आपने भाई मीटिंग है समूह
समूह की मीटिंग जोधपुर लेना है। गुड्डी कई है आपके कार्यकर्ता है कई है? कार्यकर्ता दमू ने गुड्डी। अच्छा बिल्कुल, देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची है और कई महिलाओं को ये नहीं पता है कि क्यों आए हैं, कोई लेके आया, इस वजह से हम यहाँ आए हैं। लेकिन मामला जो है शेरगढ़ में महिलाओं के साथ घूंघट को हटाकर जो है वोट डाले जा रहे थे, ऐसी वहां जानकारी मिली और लोग जो है तूल पकड़ा और यही मामला तूल पकड़ते हुए आज जोधपुर पहुंचा और कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। देखना होगा कि इस मामले को लेकर प्रशासन क्या जो है कार्रवाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं में काफी आक्रोश नजर आ रहा है।